बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आज प्रजापति महासंघ जिला फरीदाबाद द्वारा 28 जोड़ों की शादी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत करते हुए विवाह के बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटियां दो घरों को उजाला देती हैं। इस मौके पर प्रजापति समाज ने परिवहन मंत्री का भी सम्मान किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने बेटियों की शादी के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। संघ के प्रधान रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि यहाँ गरीब कन्याओं की शादी कराई गई है। इस मौके पर प्रजापति समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नारा दिया है, उस नारे को प्रजापति समाज के लोगों ने आगे बढ़ाने का काम करा। जब बेटियों का कन्यादान ये सबसे बड़ा कन्यादान है और बेटी लोग तरस जाते हैं बेटियों कन्यादान के लिए। लोग कहते हैं मैं जीवन में कन्यादान नहीं कर पाया। ये सब भाग्यशाली हैं जो बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। एक बेटी दो समाज को बढ़ाती है, एक अपने घर से जाती है, दूसरे घर अपने समाज को बढ़ाती है और प्रजाति समाज को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। रोल सर, क्या नाम है? आज शादी समारोह है, कितने जोड़े इनकी शादी की जाएगी सर? यहाँ मेरा नाम भैया रामेश्वर सिंह प्रजापति है जी, और मैं प्रजापति महासंघ फरीदाबाद का अध्यक्ष हूँ जी जी। और आज हम पिछले 10 वर्षों की बात ही 28 कन्याओं का सामूहिक विवाह जी। चीफ गेस्ट की बात की जाए तो कौन कौन यहाँ शामिल रहेंगे? यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कृष्ण पाल जी गुर्जर, हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर जी गंगवा और हमारे विधान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो कि अभी अपना आशीर्वाद हमें देकर यहाँ गए हैं। तो कितने समय से आपकी संस्था इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये छठा सामूहिक विवाह समारोह है और इसके साथ साथ हमारी संस्था कई बड़े काम और करती है समाज के उत्थान के लिए। इसमें विद्यार्थी सम्मान समारोह और इसमें बुजुर्ग सम्मान समारोह भी इसी कार्यक्रम में होते हैं। तो क्या पुलिस की और बात कही जाए तो किस प्रकार की प्रशासन, किस प्रकार की सुविधा यहाँ रहे? देखिए, मैं प्रशासन की सुविधा हमारे को भरपूर मिलती है, पूरा सहयोग मिलता है। हम सरकार के साथ रहते हैं और सरकार हमारे साथ रहती है। बेटा, आपका नाम क्या है? आयोजक कमेटी जो है शादी समारोह करती है, इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? अच्छा कार्यक्रम है। जो 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 माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते, उनके लिए अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे संदेश मिलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कार्यक्रम है आज, अच्छा अच्छी बात है। सब जो माँ आप कर पाते, जो नहीं कर पा सकते, वो अपने इस कार्यक्रम के द्वारा अपनी बेटी निकाल रहे हैं। थैंक यू सो मच कार्यक्रम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहूँगी मैं इस अरेंजमेंट को कि ये लोग शादियाँ करवाते हैं। आफ्टर दैट कोई भी फीस वगैरह ऐसा नहीं है, एंड नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली लाइफ जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं नहीं सवर कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पेरेंट्स को ये मौका मिला यहाँ पे शादी में। बेटा, आप अपनी जैसी बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे जो कलीग्स वगैरह हैं मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ, लोअर फैमिली में, तो वो लोग उनका भी कहना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम जरूर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मतलब शादी होकर मिल जाएगा। अच्छा है। अगर दहेज की बात करें, दहेज के लेकर तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? डोरी सिस्टम तो मतलब बंद कर देना चाहिए, आज की डेट में किसी को नहीं मांगना चाहिए। मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ से, ये जो अरेंजमेंट हुआ है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ।